Assalamualaikum guys, I'm back with another tutorial video. तो guys, question पहले आपको याद होगा मैंने एक video upload की थी जिसके अंदर मैंने जो है आपको LSPDFR install करना सिखाया था. तो आज मैं LSPDFR के आपको basics बताऊंगा, basics and like इस तरह की चीज़ें, ठीक है. तो first of all के देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, पोलिटो बे के अंदर हूँ मैं, एंड मैंने अपना जो है मोड वो कर लिया है, क्या कहते हैं उसको, लोड कर लिया है, मैंने रिलोड कर लिया है सारी प्लगइन्स, ठीक है. आपको मैंने बताया था कि आपको रिलोड ऑल प्लगइन्स करना है, ठीक है. तो उसके बाद मैंने अपनी गेम के अंदर और कुछ मोड्स, प्लगइन्स और मोड्स ऐड किए थे जिसका नाम है यूपी मेन्यू, और प्लगइन्स भी कुछ थे यूपी मेन्यू थे. लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये, लाइक आपके पास यहाँ पर बहुत कम वैराइटी होती है, जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में कि आप चेंज कर सकते हैं अपना यूनिफॉर्म, बट इसके साथ आप जो है ना यहाँ पे और एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्स आपको मिल से उनकी वैरायटी मिलती है, देख सकते हैं, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इन चीज़ों को इंस्टॉल करना, ठीक है. इसका जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है इन सब चीज़ों का, और कुछ गाड़ियाँ भी मैंने ऐड की थी अपनी इसके अंदर, पुलिस कार्स ऐड ऑन की थी मैंने, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में के अंदर मिल जाएगा, ठीक है. तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें. यूपी मेन्यू इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है. उसके लिए आपको क्या करना है कि यूपी मेन्यू को इंस्टॉल करना है, सिंपली जाके आपको फाइल्स मिल जाएंगी एंड आपने प्लगइन्स एंड DDFire की मेन डायरेक्टरी में उसको फाइल करना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर की फाइलें हैं ना वो आपको मिल जाएगी, ओपन आईवी की फाइल है, बस सिंपली ओपन आईवी की, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पैकेज फाइल इंस्टॉल करने के लिए मिलेगी, उसको आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें, ठीक हो गया. अब मैं आपको इसके बेसिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. फर्स्ट मैं आया तो यहाँ पे मैं पुलिस स्टेशन के अंदर, एंड आपको यहाँ पे पहले ड्यूटी ज्वाइन करनी है, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे ड्यूटी को ज्वाइन करना है. ये अभी मैंने पुलिस स्टेशन लोड कर लिया है, ये जैसे कि ये, एंड गो ऑन ड्यूटी, सिंपल सिंपल, बस गो ऑन ड्यूटी कर दें, बस हो गया, ठीक है. पुलिस लॉकर के अंदर जो है आपको यहाँ पर एजेंसीज चेंज करने का मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको इन्वेंट्री का करने का मिल जाएगा, तो मैं राउंड करता हूँ. उसके बाद पुलिस गैरेज के अंदर जो है आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी कि आपको कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करनी है, तो आपको जो पसंद है आप वो गाड़ी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो फिलहाल मैं यहाँ पे यही सिलेक्ट करता हूँ, ये इंस्पेक्टर सिलेक्ट, क्या नाम है, इंटरसेप्टर सिलेक्ट करता हूँ. कंपोनेंट्स जो हैं ये ऑन ऑन कर देता हूँ, नोटिफिकेशन अप्लाई ऑल कर देता हूँ, हैंड सिलेक्ट है, ठीक है. मैंने गाड़ी अपनी कस्टमाइज़ करके बाहर निकाल ली है, ठीक है. ये गाड़ी है अभी यहाँ पे आपको जैसे ही आप पुलिस स्टेशन पे स्पॉन होंगे अपनी गाड़ी के साथ, यहाँ पे यू आर नाउ ऑन ड्यूटी. अभी आपको जो है यहाँ पे मिशन भी मिलेंगे. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से कैसे करना है, ठीक है. अब जैसे कि मैं एक गाड़ी यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई ये ले लेता हूँ, ठीक है. अब इस गाड़ी को मैं स्टॉप करता हूँ, उस पर केस लगाता हूँ, शिफ्ट दबाना है आपको, जैसे ही शिफ्ट दबाते जाएंगे यहाँ से ये ब्लिंप आ जाएगा मैप में. अब आपको जो है वो ऑन करना है, ये जैसे ही आप ये अपना ऑन करते जाएंगे ये ऊपर वाला, बस वो गाड़ी अपना बंदा रोक लेगा. बस यहाँ पे मैं रखता हूँ, निकलूँ बाहर मैं, यहाँ पे मैं आपके पास आके बिगन टॉक करता हूँ, हेलो स्पीच में स्टार्ट करूँ, आस्क फॉर आईडी, आस्क टू लीव कार, ठीक है. अभी मैं इसको करता हूँ इशू वार्निंग, और भाई किधर हो, हेलो 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 हेलो, वापस उतर, वापस, हाँ अब जो है ना यहाँ उसको आप पकड़ते हैं, कफिंग कर दिया मैंने, होल्ड ई से डिटेन करता है, ठीक है. अभी आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है जिसकी दो हैं साइड वाली, क्या कहते हैं, डोर, अगर उसके दो हैं तो फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा. वो आपको कैसे करना है कि यहाँ पे बंदे को लाना है किसी भी जगह पे कहीं पर भी, इसको छोड़ना है यहाँ से, क्यू दबाना, जैसे ही आप क्यू प्रेस करते जाएंगे बंदा नीचे बैठ जाएगा इस तरह करके. उसके बाद आपको बी प्रेस करना है, एंड यहाँ पे बैकअप ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट में जाना है, लोकल ट्रांसपोर्ट यूनिट में जाना है, ठीक है. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने मंगवा लिया, गेम हारना स्टार्ट हो गया, उठ गया ऊपर, उठ गया, एक सेकेंड, बस अभी वेट करते हैं, यहाँ पे और पुलिस वाले आए हैं ताकि इसको ले, वो गाड़ी आ गई है, ठीक है. अब वो जाइए ना, वो ट्रांसपोर्ट यूनिट अब इसको लेके जाएगी, चोर के बचे वो रुक जाएगा, बस
ये रुक गया। अच्छा अब वो जो है इसको उठा के लेके जाएगा, ठीक है उठा के ले जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन वो ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, आपको दोबारा से कोई गाड़ी लेनी है। ये मैं आ गया अपनी पुलिस वाली गाड़ी में, अभी रुक जा, ये हम पुलिस वाली गाड़ी में आ गए हूँ। ये आप चलो अब इस गाड़ी को रोकते हैं, शिफ्ट ई प्रेस किया है मैंने, अब वो गाड़ी रोक जाए। हाँ अभी आप जैसे ही इसके इसके सामने जाएंगे ना, वो आपको फॉलो करना स्टार्ट करेगा, सस्पेक्ट इज़ नॉट फॉलोइंग यू, ठीक है। इसको कहीं पर भी आप ले जाएं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे साइड पे स्टॉप करवाता हूँ, ये बस इसको मैं यहाँ पे साइड पे जो है ना स्टॉप करवाता हूँ। अब जो है साइड पे चलते हैं, इसको इंटरेक्ट करवाते हैं, हेलो स्पीच कंटिन्यू करते हैं, आस्क टू लीव कार। मैंने गाड़ी से लीव करवाया से ये उसको कफिंग की है, ठीक हो गया। ये बस अब मैंने इसे पकड़ लिया है एंड ये मैं गाड़ी के पास आ गई। यहाँ पे अब आप साइड पे आके अगर ई होल्ड करेंगे ना, तो वो बंदा अपने ही गाड़ी में इसे बिठा देगा, ठीक है। ओ भाई सर नीचे कर, बस ये बैठ गया। बस अब इसको जो है मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाके जो है ना जेल के अंदर फेंक आता हूँ बंदे को। अब मैं जा रहा हूँ उसको जेल के अंदर फेंकने के लिए। जैसे हाँ अभी आप किसी भी जेल पे आएंगे ना, तो आपको एक पुलिस स्टेशन का साइन मिलेगा एंड एक क्लोजेस्ट जेल का साइन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं साइड पे। यहाँ पे आप जैसे ही आते जाएंगे ये आप करेगा, टू ड्रॉप ऑफ सस्पेक्ट्स एट द स्टेशन ड्राइव इनसाइड द मार्कर, ये मार्कर आपको मिलेगा हर पुलिस स्टेशन में, ये किया है एंड आप बस सस्पेक्ट को मैंने यहाँ पर उतार दिया है, ठीक हो गया। तो इसका ये तो एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है गाड़ियों का, ठीक है गाड़ियों का कैसे होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐड की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये मैंने अब यहाँ पे स्पॉनर सेव लिए गुलिबान पुलिस, ये मैंने ऐड की है गाड़ी एक GT17। उसकी अब जो है ना ये दो डोर वाली, ये भी दो डोर वाली है, मक्लारन भी ये वाली दो डोर वाली है, निसान GTR जो है ये भी दो डोर वाली है, और होंडा तो खैर है दो डोर वाली है। अब मैंने एक गाड़ी यहाँ पे इनमें एक ऐड की थी, ओडी थी वो, तो मैं मुझे ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि उसका नाम भी अब मुझे याद नहीं है, POL आई थिंक GSO, नहीं ऐसा कोई नाम नहीं है, मैं आपको ढूंढ के गाड़ी मंगवा के दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस अभी मुझे इस गाड़ी का जो मॉडल है ना वो जो मुझे है वो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो एक सेकंड यार ये स्कूनर में बंद कर लूँ। हाँ वो है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये पॉल GS 350, ठीक है। तो वो ये गाड़ी है एंड अभी देख सकते हैं आप लोग इसकी जो साइड की डोर है ना, मैं दबाया मैंने अभी, तो ई दबाया सस्पेक्ट मुझे फॉलो करना, आगे वाले सस्पेक्ट भी जाते हैं जो मुझे फॉलो भी करें, ठीक है किसी और सस्पेक्ट भी करते हैं। ये गाड़ी एक्चुअली कस्टमाइजेबल भी है, मैं फर्स्ट टाइम अभी ट्राई कर रहा हूँ। वो सामने जा रही है उसको रोकते हैं, या ये ट्रक वाले को, ट्रक का भी यार क्या बेचारा ट्रक वाले के साथ अच्छा चार करूँ, लक्सस किया वैसे ये। अभी उतरेगा बच गए रोक के गाड़ी, रात हुआ हो। Come on. You ain't never getting out of prison. You're under arrest, you piece of crap. अभी मैंने इस बंदे को जो है पकड़ लिया, पकड़ना मामा से। बस ये फड़ लिया ऐसे। अब जो है मेरे पास ये डबल डोर वाली गाड़ी है, ये डबल बैक भी है और आगे भी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप लोग ये मोड्स, मतलब जो मोड्स की गाड़ियाँ होती हैं ना, और बैठ जा मामा,
उनमें भी ये वर्क कर रहा है, बट अगर आप करते हैं डबल वाली तो आप उसको बंदे को फ्रंट पे नहीं बिठा सकते। तो आपका अगर गाड़ियां ऐड ऑन कर रहे हैं ना, अगर आप गाड़ियां ऐड ऑन तो आप वहां पे भी फोर डोर वाली करें अगर आपको यही सारा करना है तो, ठीक है। अगर आप टू डोर वाली कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ घूम सकते हैं और दूसरा ट्रांसपोर्ट यूनिट मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब ये बंदा मैंने उतार दिया है एंड बंदे के साथ साथ मैं आपको भी अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ एंड वीडियो को बंद करने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को एक क्यूट सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।